और अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है और भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए पाक रेंजर्स ने आग लगा दी। इस दौरान सीमा पार आसमान में आग की लपटें देखी गई। बताया गया कि आग इसलिए लगाई गई कि घुसपैठ की नाकाम कोशिश करने के बाद आतंकी किधर गए, इसकी जानकारी भारतीय सेना को ना मिल पाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगजनी कर दी गई। पाक रेंजर्स ने अपनी सीमा के अंदर आग लगा दी ताकि ये पता ना चल सके कि जो आतंकी हैं वो हमले को अंजाम देने के बाद आखिर गए किधर हैं। भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए यहां पर इस तरह की हरकत पाक रेंजर्स की तरफ से की गई। पुंछ के बाद अखनूर में आतंकियों ने काराना हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बल ने उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान दो आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया, लेकिन इससे बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी सीमा के अंदर ही आग लगा दी ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटका सके। ये देखिए तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ दो आतंकी ढेर कर दिए गए, सुरक्षा बल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाक रेंजर्स की हरकत आप देखिए कि उन्होंने अपनी सीमा के भीतर आगजनी कर दी ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटका सके, उन्हें ये पता ना चल सके कि आखिर हमले के बाद ये जो आतंकी हैं वो भागे किधर हैं। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना के दो नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमित 71 साल की महिला और 11 महीने की बच्ची फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों कोविड मरीज अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो 71 साल की एक महिला और 11 महीने की एक बच्ची कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जमशेदपुर में कोरोना के दो नए मामले सामने आए, फिलहाल दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं, इनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। और दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच WHO ने कोविड पर नई चेतावनी जारी कर दी है। और WHO के मुताबिक 28 दिनों में कोरोना से 3000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोविड के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस दौरान 8,50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। यहाँ पर कोविड के मामलों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक महीने के अंदर ये बढ़ोतरी दुनिया भर से सामने आई है और इस पर WHO की तरफ से जानकारी साझा की गई। WHO ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए दुनिया भर में कोरोना से क्या हालात बने हुए हैं, साथ ही लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर में पिछले 28 दिनों में 3000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। वहीं एक महीने में कोरोना के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। साथ ही WHO ने इन्फ्लुएंजा संक्रमित से संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की सलाह भी दे दी है और दुनिया भर में लोगों से WHO ने कोरोना के नियमों की पालन की अपील भी की है, यानी मास्क लगाने को कहा है, डिस्टेंस बनाने को कहा है और लोगों से सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनने और भीड़ वाली जगह से दूर दूर रहने की भी अपील WHO की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता जाहिर करने वाली बात है। और देश के कई राज्यों में कोरोना का JN.1 वेरिएंट तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि इस वेरिएंट की वजह से कोरोना तेजी से जरूर फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनेज है और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइम में था, क्योंकि ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो अपर एयरवेज के हैं, जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स, जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा जा रहा। तो ये एक माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है, कई देशों में ये देखा गया है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है।